हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेटिंग विद सरिता। देखिए आज मैं दो कलर का बहुत ही इजी एंड बहुत खूबसूरत डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में या फिर कोटी जैकेट किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो मैं डिजाइन बताने जा रही हूँ उसको आप जैसे हम स्वेटर बनाते हैं सो हमारे कुछ ऊन बच जाता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और दो कलर में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत इजी है डिजाइन बनाने के लिए। आप 4 के मल्टीपल में फंदे ले लें प्लस 1 स्टिच एक्स्ट्रा ले लें। चलिए बनाते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने 17 स्टिच ले रखे हैं और मैंने केवल सैंपल के लिए यहाँ पे बॉर्डर बना लिया है। आप चाहो आप कैसे भी आप बॉर्डर बना सकते हैं। चलिए मैं दूसरा कलर सेकंड कलर यूज करती हूँ और बेस कलर मेरा वाइट है। सेकंड कलर फर्स्ट रो है डिजाइन का, सेकंड कलर मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए सीधे साइड से हूँ, सेकंड कलर से हम इस तरह से सारे फंदों को सीधे सीधे बना लेंगे। फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया। बैक साइड से है सेकंड रो। सेकंड रो ये देखिए, फर्स्ट स्टिच मैंने स्किप किया और सारे फंदों को हम यूँ उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से, उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो है सीधे साइड से हूँ। थर्ड रो फर्स्ट स्टिच स्किप करेंगे, सेकंड स्टिच से हम थर्ड रो भी सीधा सीधा कर लेंगे सारे फंदों को। फोर्थ रो है फर्स्ट स्टिच स्किप किया और सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, 4 रो हमने सेकंड कलर से कंप्लीट कर लिए। अब हम 4 रो करने के बाद फर्स्ट कलर लगाएंगे। फर्स्ट स्टिच हम सीधे बना लेंगे ये देखिए, देन सेकंड कलर को छोड़ के, सेकंड स्टिच को छोड़ के इन 3 स्टिच में हम ये देखिए बीच के स्टिच में ये 1 2 3 थर्ड वाले होल में जो लास्ट होल है उसमें हम यूं सिलाई डाल के इसी कलर से एक लूप यू निकाल देंगे। ये देखिए यू निकाल लिया। अब देखिए 1 2 3 3 स्टिच हमने स्किप किया और ये लूप जो हमने निकाल रखा है उसको हम इन 3 फंदों के ऊपर से यू ले लेंगे ये देखिए। फिर इन 4 स्टिच को हम दोबारा रिपीट करेंगे। 1 स्टिच सीधा, 1 2 3 इन 3 स्टिच में बीच के स्टिच में ये देखिए फ्रेंड 1 2 3 ये जो 3 वाला होल है उसमें हम यू लूप निकालेंगे इस तरह से। फिर इन 3 स्टिच को हम स्किप करेंगे, बिना बुने ही इसमें निकालेंगे और लूप को इन 3ों के यहाँ से यू निकाल लेंगे। ऐसे हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे सेम रिपीट करके।
और लास्ट स्टिच यू ए, इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रो है 6, फर्स्ट स्टिच हम स्किप करेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे हैं, इसमें से फर्स्ट स्टिच को हम बुनेंगे उल्टा, बीच के स्टिच को हम स्किप कर लेंगे, बिना बुने ही निकालेंगे, थर्ड स्टिच को भी उल्टा बुनेंगे। 3 स्टिच में हमने बीच के फंदे को स्किप किया और 2 बुने, ये वाला स्टिच भी हम बुनाई करेंगे। अब देखिए इन 3 फंदों में फर्स्ट उल्टा बनाएंगे, सेकंड को स्किप करेंगे, थर्ड वाला उल्टा बुनेंगे, ये वाला स्टिच भी हम उल्टा बुनेंगे, यही हम पूरा रो रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से खूबसूरत सा डिजाइन बनके आ गया। अब हम इसी कलर से सेकंड कलर, ये फर्स्ट कलर से ही सारे फंदों को सीधे सीधे बनाएंगे। और बैक साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इन्हीं जितने भी रो हमने कंप्लीट किए, ऐसे हमें और रिपीट करना है। फर्स्ट से सेकंड जो हम डिजाइन बनाएंगे, ये जो सेकंड कलर यूज किया, अब हम सेकंड कलर यूज करेंगे। इन्हीं 6 जो लाइन है, 6 लाइन इसके हैं, 2 हमने फर्स्ट कलर के बनाए, लेकिन 8 लाइन इन्हीं को हम बार बार रिपीट करेंगे। जब हम इस डिजाइन को कंटिन्यू बनाते हैं तो हमारा डिजाइन इस तरह से बनता है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी कलर, 2 कलर को लेके आप इस तरह से बना सकते हैं। और बैक साइड इसका कुछ यूं लगता है, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत और इजी डिजाइन है। आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये डिजाइन। तो आपको ये डिजाइन अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो मेरे वीडियोज हैं आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।